हम कराची हैं, हम सबको खिलाएंगे। भाई मेरी लोकेशन है मेन फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 वाटर पंप से अंदर की तरफ जब आप आएंगे कार्डियो सोल नंबर हॉस्पिटल से लेफ्ट लेके चौरंगी से लेफ्ट की थर्ड गली में आना है आपने जमाल मंजिल बस। लेकिन मुझे कॉल करके एंट्री करवा के आएंगे तो वर्ड मिलेंगे, इसके अलावा नहीं भाई। रश लग जाता है बहुत लोगों का, तमाम ये नंबर्स मेरे यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पर ये तीनों नंबर दिखा दें 0309-1555-659 0300-3538-143 ये मेरा पर्सनल नंबर है, लेकिन कॉलिंग बहुत रहती है तो मैं कम ही उठाता हूँ, बहुत कम। 0308-2555-659 ये नंबर भी अब से ऑन हो जाएगा, तो आप लोगों को इसके ऊपर कॉल करें, बुक करवाएं अपना बर्ड, एंट्री करवाएं और फिर आएं। और जितने लोग आउट ऑफ सिटी हैं वो तमाम लोग तो भाई आए भाई, लेकर जाते जाएं। मैं आपके अभी बताता चलूं, नो रिटर्न नो एक्सचेंज होता है, ठीक है। और अगर कोई बर्ड रिटर्न होता है, इन केस ऑफ रिटर्न तो 20% विल बी डिटेक्टेड। तो ये चीज, ये बिग बर्ड हो या छोटा बर्ड हो, चेक करके चीज लेनी है। इसके बाद कोई चीज नहीं है कि वापस ले ली, तब्दील कर ली, यार ये नहीं, ये चाहिए था, अब ये नहीं, अब ये कर दे, तो उसके अंदर भी आपको पैसे डिटेक्ट होंगे आपके 20%। स्ट्रेट क्लियरली बता रहा हूँ ये मैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्सस बर्ड यूट्यूब चैनल। काफी दोस्त कह रहे थे यार कोई एग्जॉटिक बर्ड्स की वीडियो बनाए, हैंड टेम बर्ड्स की वीडियो बनाए, तो मैं जो है इस वक्त लारे भाई के सेटअप पे मौजूद हूँ। यहाँ पे छोटे बर्ड्स से लेके बड़े बर्ड्स तक इनके पास मौजूद है, हैंड टेम हो, ब्रीडिंग बर्ड्स हो, और बड़े बर्ड्स के अंदर कोई सी भी वैरायटी हो तो हर चीज़ इनके पास से आपको मिल जाएगी। और आपके सामने है कि माशाल्लाह से अभी इनके पास मोर है मौजूद। अस्सलाम वालेकुम लारे भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अरसलान? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बताएं क्या मसरूफियात हैं और कौन कौन से बर्ड्स पर भी वर्क चल रहा है? भाई मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं लव बर्ड की वजह से, क्योंकि आपको पता है सीज़न अभी इस टाइम पर चल रहा था ब्रीडिंग टाइम, तो हर बंदे को इस वक्त कमर्शियल आइटम चाहिए। तो हमारे पास कमर्शियल आइटम के साथ साथ तमाम उन लोगों के लिए शौक़ पूरा करने के लिए ऐसे ऐसे टेम बर्ड्स मौजूद होते हैं कि जिससे शौक़ पूरा भी हो और घर की तमाम टेंशन रिलीज़ हो जाए। सही। तो जैसे कि अब ये खूबसूरत तरीन लोग ना आते हैं, देखते हैं ना कभी कभी जो आते हैं यहाँ पे, तो आके बैठ के इस खूबसूरत से मोर की पिक्चर वीडियोज ही ले रहे होते हैं वो। सबसे पहले तो ये क्या खिलाते हैं, पाइट खिलाते हैं? ये पाइट मोर का मेल है और इसकी एज अभी है तकरीबन कोई साल भर के करीब। यहाँ पे ये मेरा टेम मोर है और ये देखें इसकी दुम अभी इतनी निकली है इसकी। जब ये नाचता है, रक्स करता है तो अलग ही मजेदार सी आती है। अभी ये जंप करेगा, उड़ेगा, बिल्कुल ओपन फ्लाइंग में उड़ता है यहाँ पर ये। सही। तो इसको नॉर्मली हम घर वर पे भी रख सकते हैं? हाँ, इसको बिल्कुल नॉर्मली घर पे रख सकते हैं बिल्कुल। ये जैसे भी मेरी गोद में था आएगा, पकड़ लें, प्यार करवाए, बच्चे फैमिली के साथ ज्यादा बड़ा अटैच रहता है ये। सही। हाँ, तो इसके अलावा इसके जो इसी के टाइप की जो चीज़ें होती हैं और चीज़ें वो भी मिल जाएंगी आपके पास? हाँ, बहुत सारी होती हैं एग्जॉटिक टेम बर्ड्स, तो बेइंतहा होते हैं माशाल्लाह से। आपको जैसे कि पता है अभी आपको, बल्कि चलते हैं अंदर दिखाएंगे कि क्या क्या मज़ेदार सी चीज़ें हैं, कैसी हैं, कितनी टेम है, क्या टॉकिंग करती हैं वो। सही। तो बहरहाल ये तो हम बाहर से स्टार्ट ले रहे हैं, तो आपको सिर्फ अभी हमने मोर दिखाया है, बाकी रूम के अंदर चलते हैं, आपको क्या कुछ दिखाना है वो आप अभी देखिएगा। तो चले आए, चलते हैं भाई फिर। ये देखें भाई, मेरा अंदर आने का है बस, और यहाँ पर सारे के सारे परिंदे ये उड़ उड़ कर आते हैं, ये इतने अच्छे टेम होते हैं ये। सही। अब देख सकते हैं आप, हम जो है रूम के अंदर मौजूद हैं और चारों तरफ बर्ड्स ही बर्ड्स मौजूद हैं, और सन किनोर है, ग्रे पैरिट है, मकाऊ है, काकाटू है, बाकी इसके अलावा इलेक्ट्रिस है, और लव बर्ड्स की म्यूटेशंस वगैरह मौजूद हैं, और जावा भी मौजूद है, और बेंगलाइज भी मौजूद है, हर तमाम किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। तो एक डिटेल में इनसे बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं और ये सारे चिक्स हैं, इनकी प्राइस वगैरह क्या चल रही है मार्केट में। अगर कोई शौक करना चाहे, अपने घर पे कोई भी बर्ड रखना चाहे, तो किस तरीके से लारे भाई से रब्ता कर सकता है और लारे भाई जो किस तरीके से इनको गाइड करेंगे? लारे भाई, आपने मेरे ख्याल से अपने घर में पूरा जू बनाया हुआ है। भाई बस ये एक छोटा सा मिनी जू है, काफ़ी सारे टेम बर्ड्स का शौक है बचपन से, अब तक वो शौक चल ही रहा है, मतलब के अब्बा को बोला था ना कि जू बनाना है, वो चल ही रहा है, मतलब वो खत्म नहीं हो गए दे रहा, मतलब जो एक जिद थी वो काफी हद तक पूरी हो गई। बिल्कुल भाई, वो जिद आज अल्हम्दुलिल्लाह चल ही रही है और आगे भी इंशाल्लाह, ये तो स्टार्टिंग है, इंशाल्लाह ताला आगे फर्दर भी भाई बहुत ऐसी ऐसी चीजें होंगी, दिखेंगी, बल्कि दिखती है जिन लोगों को मेरे पास है चैनल पे, फेसबुक पेज पे शेयर वगैरह, बहुत सारी चीजें मजेदार सी आ रही जा रही होती है हमारे पास। अच्छा जी, सबसे पहले तो बताएं किस बर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं? यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉक्स के अंदर छोटा सा बच्चा है, मतलब ये अपने हिसाब से तो बड़ा है लेकिन वैसे छोटा है। सबसे पहले अगर स्टार्ट करना है आपने, बिल्कुल जिस बच्चे का आपने नाम लिया ये है कॉकाटू।
ये कहलाता है अम्ब्रेला कोकाटू, ठीक है। ये एक मिडिल रेंज का बर्ड है और मिडिल स्पेशी है एक तरीके से, क्योंकि अगर इसकी स्पेशी की बात करी जाए तो ये देखें जरा, ये अभी बच्चा है तकरीबन कोई 3 माह का, सही, ठीक है जी। ये जरा देखें, ये अंदर से येलो होता है, बेसिकली ये है ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड, और पाई तो अब यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में बहुत कुछ जाती हैं चीज़ें, क्योंकि अब यहीं पे ही ब्रीड हो रही है हमारे पाकिस्तान में, तो लोग इनको छोटी सी एज के अंदर, जैसे ये इतना सा बच्चा है ना, ये इतनी सी एज के अंदर इनको बाहर निकाल लिया जाता है ताकि ईजीली इनकी जो है टेम कर सके इनको ईजीली, सही। तो सिर्फ इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये अम्ब्रेला काकाटू कहलाता है, इससे और ऊपर की जो स्पेशीज है इसकी वो है मोलोगन काकाटू, सही। अपना टाइट्रॉन, मीडियम सल्फर, ग्रेटर सल्फर, ये तमाम चीजें होती हैं इसके अंदर, तमाम इसकी और फर्दर। अच्छा, इसके अंदर मोलोगन सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। जी हाँ, मोलोगन सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और सबसे ज्यादा बिग साइज में होता है। अभी ये इतना है, ये बड़े होने के बाद इतना हो जाएगा ये भी, सही। तो अभी कितने टाइम इसको हैंड फीड आप दे रहे हैं? यार इसको तकरीबन अभी कोई 3 टाइम हम हैंड फीड दे रहे हैं अब इसने, लेकिन ये है कि भुट्टा वगैरह स्टार्ट कर दिया खाना, सही। हाँ, क्योंकि अब ये बिल्कुल भुट्टे की तरफ है, भुट्टा मुंह मारना शुरू कर दिया। आजकल भुट्टे का ज्यादा है भाई क्रेज, क्योंकि भुट्टा सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है मेरी नजर में बर्ड के लिए, बर्ड की सेहत के लिए। तो बर्ड जितना भुट्टा खाएगा उतना ज्यादा अच्छा जल्दी बनता है, ग्रोथ अच्छी रहेगी, ग्रोथ अच्छी रहती है। ये इतनी सी एज के अंदर इसने अपना साइज सुपर डुपर कर दिया मेरी नजर में तो भाई, ठीक है। तो मतलब कितने टाइम तक ये प्रॉपर सेल्फ हो जाएगा? ये तकरीबन कोई 4.5 माह के अंदर प्रॉपर सेल्फ हो जाएगा ये बच्चा। अभी कितना टाइम और लगेगा इसको? इसको अभी तकरीबन कोई 1.5 महीना लगेगा पूरा, क्योंकि 3 महीने के एज का है ही है, 1.5 माह इसको अभी और मजीद लगेगा, सही। इसके अलावा और क्या चीजें आपके पास? इसके अलावा ग्रे की काफी सारी जबरदस्त वैरायटी है, ग्रे तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो बच्चे ऐसे ही दिख रहे हैं मुझे ग्रे पैरेट यहाँ पर। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एजेस के ग्रे पैरेट्स हैं, कोई 3 महीने का है, कोई 4 महीने का है, कोई 1.5 साल का है, अलग अलग एज, सब अलग अलग, कोई 4-5 साल का है। तो इस तरीके की तमाम, कोई टॉकिंग के अंदर है, कोई विस्लिंग के अंदर है, कोई लर्निंग एज के अंदर है, कोई सेल्फ फीड है, कोई नियर टू सेल्फ है, इस तरीके से सारे। तो क्या मार्केट वैल्यू आपने रखी हुई है एक बर्ड की? यार अब जैसे कि ये वाला बच्चा है, ये एक ग्रे पैरेट है, ये वाला देखें आप, अगर ये बच्चा है, ये बहुत जबरदस्त साइज का बच्चा है ग्रे पैरेट, ठीक है। इसकी एज है अराउंड कोई 4 माह, सही है, सेल्फ के करीब ये आ चुका है, ऑलमोस्ट खाना पीना इसने शुरू कर दिया है। लेकिन कभी अगर मुझे लगता है कि यार नहीं, ये एक आध टाइम इसको दे देनी चाहिए, ग्रोथ जितनी अच्छी होगी बर्ड उतना अच्छा स्ट्रांग बनेगा, अच्छा साइज निकालेगा, सही। तो मुझे लगता है कि इसको एक आध टाइम दे दूं मैं फीड तो अच्छा रहता है, फीड देना कोई मुश्किल तो नहीं है, ठीक रहती है बस, इसलिए हैंड फीड दे। बच्चा आपको पहचानता है, जितने न्यू फैंसियर ले रहे हैं वो बच्चा आपको पहचानेगा, थोड़ा सा हैंड फीड 1 टाइम फीड 2 टाइम फीड पे ले लिया करें, सही। हाँ, फौरन ही मतलब ये कि फीड ना छोड़े एक फौरन नहीं, क्योंकि बर्ड जाने के बाद जो है, जैसे हम वही ना भाई गाय बकरे लेकर आते हैं वहां पे चारा कुछ खा रहे होते हैं, घर आने के बाद खाते नहीं है लोग, बीमार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे ही है कि उनको जो खा रहे होते हैं ना उस तरीके की डाइट दे एक आध हफ्ते, आप अपनी पहचान करके जिससे ले रहे हैं उससे पूछ भी लें भाई आप क्या दे रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे, क्योंकि घर बदलता है, पानी बदलता है, सही है, इंसान बदल जाता है पूरा, तो भाई ऐसे होते परिंदा तो परेशान होगा ना, मैंने 3-4 महीने एक जगह गुजारे, अचानक से मुझे उठा के कहीं और रख दिया, सही। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे सन किनोर वगैरह भी मौजूद है जो कि फ्लाइंग टेम है सारे के सारे बर्ड। यहाँ पर सन किनोर्स जो मौजूद है, बिल्कुल सन किनोर, वहाँ से जरा उड़ा के भेजें उसको, एक तो हमारे कैमरा मैन पे चढ़े हुए ये दूसरा भी वहीं गया। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है? ये पाइनएप्पल कॉर्नियोर है, पाइनएप्पल, ये बहुत अच्छा फ्लाइंग टेम बर्ड है ये वाला, आओ लेकिन बाजू का जिन लोगों की जगह बंद नहीं है भाई वो मंदा हो जाते हैं, बोलते आओ आओ, एक दफा आएगा, दूसरी दफा, तीसरी दफा वो यूं ही चला जाता है। तो ऐसा ऐसा केस भी होता है काफी लोगों के साथ। ये देखें कैसा गया ये बच्चा, ये ऐसे ही उड़के भी आता है, ये देखें अब इसको उड़ाऊंगा आपको, ये देखें ये गए हमारे कैमरामैन की छत पे जा रहे हैं सारे। सही। अच्छा जी, जो फ्लाइंग टेम इनकी क्या प्राइस है? अच्छा, जो ये फ्लाइंग टेम कॉर्नियोर्स है इसकी जो 30,000 रुपए रखी हुई है प्राइस, ठीक है। और जो अपना सन किनोर्स है, सन किनोर्स बेटा जरा उड़ा के भेजना है यहाँ पे, ये आ गए सन किनोर, ये आ गए भाई माशाल्लाह से, दोबारा उड़ाओ इनको, ये देखिए यहाँ पे आ गए सन किनोर्स। इनकी क्या डिमांड रखी है आपने? यार ये सन किनोर का जो पेयर है ना, ये 1,00,000 रुपए का ही है, ये बहुत अच्छा टेम पेयर है, ये 50 का पर पीस,
ये हाँ, 50 का पर पीस। हाँ ये बड़ा पेयर है। अच्छा एक और बात मजे की आपको एक पहचान बताता चलूं इसके अंदर, ये देखिए अब ये जो इसकी पहचान है ये पूरा पीला हो रहा है, ऑलमोस्ट येलोइश हो रहा है। अब वो जो दूसरा वाला बर्ड है वहां पर, वो वहां पर ये देखें, एक तो दूसरा एक और ये आ गया मेरे पास, ये पूरा का पूरा पीला ही है ये, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला एक और कॉनियोर है उसको वो आ गया करीब में, मैं कल नीचे चले गया। ये देखें एक और मेरे पास ही आ गई, ये भी कंधे में, वो नीचे वाला है तो उठा के उठा दो उसको ऊपर। अच्छा हमारे पैरों में ही आ गया भाई वो बैठा। ये देख रहे हैं कैसे उड़ के आ रहे हैं सब, ये इस तरीके से उड़ के आ रहे हैं। अच्छा इंडिया के अंदर एक बाबा है, उनका जू है, उनके कॉनियोर्स भी ऐसे उड़ के आते हैं उनके पास जब वो दाना डालने जाते हैं या कुछ भी करते हैं, उनके पास सारे बर्ड ऐसे ही आ रहे होते हैं। ये इनकी एज है कम से कम कोई 3 साल के करीब है ये। सही, तो ब्रीड वगैरह भी करेंगे, ब्रीडिंग के लिए बिल्कुल रेडी है ये, क्योंकि ये करते ही तकरीबन 2.5 साल की एज में ब्रीड पे आ जाते हैं। कलर इन्होंने बिल्कुल वॉश करा हुआ है अपना, साफ करा हुआ, तो इस तरीके से इनकी ये है 1 लाख रुपए की डिमांड इनकी। सही। अच्छा जी हम आते हैं अब मकाओ की तरफ, मकाओ की तरफ, मकाओ माशाल्लाह से मकाओ जो के सबकी। अच्छा इसके भी पर पूरे के पूरे, इसके भी पर पूरे के पूरे, ज्यादातर जितने बच्चे है ना उन सबके पर पूरे ही है। सही। ये देखें आप, ये मकाओ आ गया हमारे पास यहाँ पर, और इस मकाओ ये देखें, ये भी फ्लाइंग टेम है, ये भी फ्लाइंग टेम है, ये भी फ्लाइंग। क्या एज है इस बर्ड की? इस बर्ड की एज है अभी कम से कम 4.5 महीने। 4.5 महीने तो अभी हैंड फीट पर है, बिल्कुल ये अभी भी हैंड फीट पर है, लेकिन ये थोड़े नखरे दिखा के फीड लेता है ये। इंसानों वाले बच्चों की बात है, जबरदस्ती पकड़ के खिलाना पड़ता है कि नहीं भाई बच्चा नहीं खाएगा तो कमजोर हो जाएगा। सही। तो ऐसे इनको भी पकड़ पकड़ के उनमें जबरदस्ती फीड देनी पड़ती है इन्हें कि खा लो यार, आपकी सेहत का सवाल है भाई, हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये तो जैसे आप ये जो कराची के फार्म वगैरह से बर्ड वगैरह सारे उठाते हैं? हाँ तमाम अल्हम्दुलिल्लाह जितना एग्जॉटिक का बिग बर्ड्स के फार्म लगे हुए हैं कराची के अंदर हमारे पास, तो वो वहां से वहां पर तमाम हमारी पूरी पुरानी डील होती है वहां पे, और वो भी रिलायबल बंदों को ही देते हैं, वो इसके अलावा देते ही नहीं है। हर बंदा अपने फार्म पे ना विजिट करवाता है, काफी लोगों का एक तो ये आता है कि फार्म विजिट करवाएं, फार्म पे ले जाए। मैं इवन दो के इस कमरे से अंदर भी किसी को लेके नहीं जाता। सही। कि बस जो है यहीं तक आपको जो बर्ड चाहिए वो यहाँ से यहाँ पे आके आपको मिल जाएगा, तो आप बोलते नहीं हमें वहां ले चले हम उधर लेके जाए। भाई हर बंदे की एक अपनी पर्सनल चीजें होती है, तो इसलिए। और इसका भी एक्सपेंसिव चीजें, काफी एक्सपेंसिव चीजें हैं, कोई छोटी मोटी चीजें हैं नहीं आजकल, बस अल्लाह वाला सबके सब पे रहमो करम ही करे बस। सही। अच्छा डिमांड क्या रखी हुई है मकाओ की? यार मकाओ की डिमांड रखी हुई 2,65,000 रुपए। 2,65,000। हाँ 2,65,000 रुपए का ये इस वक्त बच्चा है, तो और कोई 4.5 महीने के करीब का बच्चा है ये। इनकी प्राइस काफी ज्यादा हाई हो चुकी है अभी इस टाइम। यार इस टाइम पे दरअसल देखो दो चीज, दो वजहें होती है बर्ड की प्राइसेस हाई होने की। एक तो मुल्की हालात, वो तो पहले से ही सही नहीं है हमारे, हर चीज ही महंगी हो रही है। दूसरी ये कि ब्रीड आना। सही। ब्रीड इस साल आई है कम, पिछले साल की नस्बत इस साल ब्रीड आई है बहुत ज्यादा कम। तो जब ये वजूहात होंगी, जब ब्रीड कम आएगी, तो भाई ब्रीडर और ट्रेडर तो वो तो जाहिर सी बात है उसको तो क्या करे, उसको बोलेगा भाई मेरा जो एक्सपेंस लगा ये है तो मैं कहाँ अपनी चीजों को मेजर आउट करूँ। उसके बाद लाख ब्रीड आ रही है ब्रीडर के पास, उसके घर का बच्चा है, उसके लिए आप लोगों को लगेगा 2.5 लाख रुपए का बच्चा है, 2,60,000 रुपए का बच्चा है, ये तो फ्री में पड़ रहा है। लेकिन इसके अम्मा अब्बा पे मेहनत कितनी लग रही है, तो पूरे साल की मेहनत, पूरे साल की मेहनत है, साल में 2 ब्रीड कर रहे हैं वो, उसमें भी क्लच आ रहे हैं, दो बच्चे आ गए, एक दो बच्चे आ रहे हैं, उसको खाना पीना दाना है, उसके ड्राई फ्रूट्स हैं, तमाम चीजें बहुत सारी चीजें, तो ब्रीड लेना कोई आसान बात तो है नहीं। सही। तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती है। अच्छा अभी आपने बताया सारी चीजें महंगी हो रही, तो ये भी डॉलर से रिलेटेड है कुछ? डॉलर महंगा हो रहा है यार? दरअसल बिल्कुल आपकी एक काफी हद तक एक बात बिल्कुल ठीक है, डॉलर से रिलेटेड है, क्योंकि काफी सारा हमारा भी माल जो है बाहर जा रहा होता है, मतलब कराची से बाहर, पाकिस्तान से बाहर जा रहा होता है, वो बस कहीं भी जा रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा होता है, और वो तमाम जितनी भी हमारी रेगुलर की या पुरानी पार्टियां हैं वो लेती हैं। सही। लेकिन हमें कोई डॉलर में पेमेंट नहीं मिलती भाई, हमें पाकिस्तानी रुपीस के अंदर ही मिलती है, हम वो पाकिस्तानी रुपीस के अंदर ही खुश हो जाते हैं, चलो यार अल्लाह मालिक है, तो चलाने तो हमें चलाने हमें ऐसी बात है, तो इसलिए अब वो हर बंदे का हर तबके का एक शौक है, तो वो हर तबके को जिसकी रेंज में जो बर्ड है वो ले लेता है। मकाओ वाला तबका एक अलग है, उसकी जेनेट्री एक अलग है, ग्रे वाली क्लास एक अलग है, काफी क्लास, लवबर्ड की क्लास, रिंगनेक्स पहाड़ी, ये सबकी क्लास एक अलग है। अच्छा जी वहाँ पे एक पेयर बैठा हुआ है इलेक्ट्रिक का? बिल्कुल वहाँ पर एक पेयर बैठा हुआ है इलेक्ट्रिक का, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है इलेक्ट्रिक का एक जबरदस्त सा पेयर है ये, इसकी एज है कोई अराउंड कोई साल भर के करीब।
सही। अच्छा इसमें एक ये है कि मेल का कलर अलग है, फीमेल का कलर अलग है। यार ये अल्लाह की कुदरत है, ये चेरी ब्लॉसम है एक तरीके से, फीमेल इसकी रेड कलर के अंदर होती है, वॉलेट ब्लू कलर के अंदर, और इसका जो मेल होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ये अल्लाह ताला ने इसका मेल फीमेल का पहचान ही ऐसी रखी, ऐसी रखी। इसके अंदर डीएनए कराना ही नहीं पड़ता किसी को, जैसे ग्रे हो गया, काकाटू होगा, मकाऊ होगा, इसके अंदर ये बिल्कुल सेम है, तो इनके अंदर करवानी ही पड़ती है लाजमी आपको, के डीएनए करवाएंगे तो पता चलेगा मेल फीमेल का। इसके अंदर सामने पता चल जाता है इलेक्टस का। ये भी बड़ा जबरदस्त है, टेम पेयर है, मैं उठाकर भी दिखाता हूँ आपको इसको। तो अभी क्या एज है इस बर्ड की? आ जाओ यार, इसकी एज एक साल मैंने बताई ना, जैसे कि इसकी एक साल एज है इस पेयर की। आ जाए यहाँ पे बैठे हैं आप भाई, आ जाओ, फीमेल भी आएगी फौरन, आ जाओ भाई। ठीक है जी, ये देखें माशाल्लाह से जबरदस्त सा पेयर है ये। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, डिस्टर्ब क्यों हो रहे हो इतने सारों को देख के तुम? ये पूरा का पूरा पेयर है ये एक साल का, और एक साल से ऊपर ही होगा थोड़ा सा तकरीबन, और टॉकिंग इसने स्टार्ट कर दी है। इसका इसका भी अच्छा टॉकिंग लेवल होता है, लेकिन इसके थोड़े से नखरे ऐसे हैं कि ये फ्रूट्स ज्यादा खाता है। सही, फ्रूट ज्यादा पसंद करता है, बनिस्बत है कि आपका जितना भी मिक्स दाना है ग्रे पैरेट्स वगैरह का, उनकी निस्बत इनको फ्रूट ज्यादा पसंद आते हैं, तो इनका ये है। तो इनकी क्या प्राइस है पेयर की? अच्छा इनकी जो प्राइस है भाई, इनकी प्राइस है 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए का पेयर है ये पूरा इलेक्टस का। इसके अंदर 2 से 3 म्यूटेशन आती है, एक सोलोमन आती है, एक ग्रैंड आती है, और एक वॉसमेरी इलेक्टस आता है। सही, ये सब अलग अलग पहचान है उनकी। तो कोई कोई पेयर 2 लाख रुपए का भी है, कोई पेयर 3 लाख रुपए का भी, और कोई पेयर 4 लाख से ऊपर का भी है। फर्क क्या होता है? एक तो टेल बार का फर्क आता है, जैसे कि इसकी टेल बार पे कोई नहीं है, अगर इसकी टेल बार इतनी ऊंची है ग्रैंड इलेक्टस है, अगर इसकी एक टेल बार इतनी येलो हुई है पूरी, तो वो वॉसमेरी इलेक्टस कहलाता है। सही, तो उसकी प्राइस एक अलग है। सोलोमन का साइज बिल्कुल छोटा होता है, लगते सारी चीजें सेम है लेकिन कुछ पहचान है, जो काम कर रहा होता है, वर्किंग कर रहा होता है, उसी को आइडिया होता है सारी चीजों का, क्या चीज कितने की है इस टाइम पर। अच्छा इनका ब्रीडिंग साइकिल क्या है, किस एज में जाके? यार ये इनकी ब्रीडिंग साइकिल तकरीबन को इनका 3 साल के करीब है, 3 साल के बाद ही आते हैं, लेकिन कुछ कुछ पेड़ अमूमन ये जो जाते हैं 4 साल 4.5 साल पे ही जाके लगते हैं। कुछ मैंने ऐसे पेड़ देखे हैं शादो नादिर होते हैं, वो 3 साल पे वही चल पड़ते हैं। इवन के मकाओ 3.5 साल में चलता हुआ देखा एक जगह पे पेयर। अच्छा ये चिक्स वगैरह कितने निकाले थे बड़े बर्ड? यार ये दो ही बच्चे निकालते हैं, मकाओ फिर भी 3 पे ले आता है, लेकिन इलेक्टस हो गया, इलेक्टस तो अंडे ही 2 देता है। बड़ा कोई खुशनसीब बंदा होता है जिसके पास 3 अंडे आते हैं, वरना सबके पास भाई आते ही 2 ही अंडे हैं इसके अंदर, और 2 ही बच्चे निकलते हैं। ज्यादातर इसके अंदर मेल्स निकलते हैं, फीमेल्स की डिमांड हाई रहती है। अभी उस बंदा बोलेगा फीमेल दे दें आप, तो फीमेल नहीं है, पूरा पेयर देने के लिए। सही। अच्छा जी यहाँ पे बॉक्स में रिंग नेक के बच्चे ही तो निकालते, फ्री में दे देंगे अगर कोई लेगा मकाओ वगैरह? बिल्कुल भाई, अगर उस टाइम तक ये सेल आउट नहीं हुए, ये ग्रीन रिंग नेक के बच्चे मैं आप फ्री में दे दूंगा, चले आपकी जबान के ऊपर ये दे दूंगा। वैसे क्या डिमांड चली अभी? यार ये एक बच्चा जो बड़ा ग्रीन हुआ हुआ है वो बच्चा 5,000 रुपए का, बाकी दूसरे जो 2 हैं वो 4,500 रुपए के हिसाब से हैं। सही। अच्छा जी लाले भाई इनकी तो प्राइस बताएं आप, जो अलग अलग यार ये कॉन्योर ना, जैसे मैंने वो वाला बताया कॉन्योर 50,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का पेयर पड़ेगा, तो ऐसे ही इनका है। ये छोटा बच्चा है अभी, इसके कलर फट रहे हैं अभी, तकरीबन ये 1.5 साल का होगा, तो इसकी प्राइस अलग है, ये तकरीबन 35,000 रुपए का। ऐसे बच्चे 35,000 रुपए मिल जाएंगे, टेम बच्चे। ठीक है, ये भी मतलब फ्लाइंग टेम है? जी जी, ये भी फ्लाइंग नहीं, ये फ्लाइंग टेम नहीं है, इसके पर कटे हुए हैं। और ऐसे ये है पाइनएप्पल कॉन्योर, ये आपको मिलेगा तकरीबन कोई 30,000 रुपए करीब, टेम बच्चा ये भी। ठीक है, ये जरा इसको चेक करें, ये बड़ा जबरदस्त है, जबरदस्त सी चीज़ है ये भी, बहुत छोटे, ये छोटे छोटी कॉर्नियर ऐसी चीजें हैं जो रिंग नेक पे शॉक पूरा करते थे ना लोग, अब वो इसके ऊपर आ गए। कलर अच्छे हैं इसके अंदर, बहुत सारी म्यूटेशन है, जैसे पाइन एप्पल मैंने बताया था, अब ये पाइन एप्पल है, इसके अंदर ग्रीन चिक है, बहुत सारी किस्म किस्म की चीजें आती हैं इनके अंदर। अच्छा जी माशाल्लाह, यहाँ पे एक पहाड़ी का बड़ा मेल, ये पहाड़ी का मेल आ गया जैसे यहाँ पे हमारे हाथ में, उड़ के चलाइए फिर से वो यहाँ बैठा हुआ है। इसका बताएं पहाड़ी का, ये पहाड़ी का टेम नर है, ये टॉकिंग करता है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हू, आधा कलमा पढ़ता है, ये 50,000 रुपए इसकी डिमांड है। सही, ब्रीड वगैरह भी कर सकता है? ब्रीड वगैरह भी कर सकता है, क्योंकि पर फुल है, फ्लाइंग वगैरह भी कर रहा है, हर चीज में पूरा है ये। ठीक है जी। अच्छा जी ग्रे पैरेट की प्राइस आप बताएं, अलग अलग आप बता दे चिक्स हैं सारे। हाँ, ग्रे पैरेट के जितने बच्चे हैं, ये बड़े आइटम जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये सारे तमाम 1,10,000 रुपए के हिसाब से हैं, ये बड़े मेल फीमेल पर पीस, ये पर पीस 1,10,000 रुपए, क्योंकि टॉकिंग करता है, इसके अंदर 2 साल वाला भी है, 3 साल वाला भी है, और 4 साल वाला भी है। ठीक है, मेल फीमेल है, 1,10,000 रुपए इसके अंदर। कुछ बर्ड अस्सलाम वालेकुम कहता है,
कोई विस्लिंग निकाल रहा है, एम्बुलेंस की आवाजें, चील की आवाजें, सब निकाल रहा है। अच्छा जी, उनकी जो आईज का कलर है वो थोड़ा सा चेंज है। जी हाँ बिल्कुल, उनकी पहचान ही यही है असल के, वो बड़ी एज के अंदर है। सही। अब मैं आपको छोटे चिक्स दिखाता हूँ, वो छोटे चिक्स का आईज आप देखें। अच्छा, ये जितने छोटे चिक्स हैं आगे यहाँ पे रखे हुए और ऊपर बैठे हुए, ये सारे बच्चे तकरीबन 80,000 रुपए के हिसाब से ही है। ठीक है, ये तकरीबन आधे सेल्फ है आधे हैंड फीड पर है। जी ये आधे सेल्फ आधे हैंड फीड है, कुछ कुछ अब स्टार्ट कर दिया खुद प्रॉपर, लेकिन कभी होता है मैं दे देता हूँ फिर भी। सही, सेल्फ है लेकिन ऑलमोस्ट कह सकते हैं इनको, वन टाइम अगर चल जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, प्राइस वगैरह तो हमने मालूम किया, अगर कोई कस्टमर वगैरह बाय करना चाहते तो प्राइसेस में कुछ कमी वगैरह? यार थोड़ी बहुत होगी, ज्यादा नहीं होगी। जेन्युइन बायर ही कॉल करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब जैसे काकट हुए अब इसके जैसे के पैसे हैं तकरीबन 2,60,000 या 2,55,000, तो 2-4,000 रुपए का फर्क डिफरेंस आ जाएगा तो कर लिया जाएगा। मतलब ये नहीं कोई 2,50,000-2,60,000 की चीज है, वो उसके पैसे लगा रहा है 2,00,000 रुपए। भाई हम ले लेने आपसे 2,00,000 रुपए के अंदर, इतना बड़ा बच्चा यार मकाओ है मिसाल के तौर पर, वो लगाया उसके 2,00,000 रुपए, तो वो चीज एक है ही नहीं। तो वो मैसेज भी ना करें, मतलब वो तंग होता है बंदा कि यार वो आपको पता है एक चीज बिल्कुल ओपनली क्लियरली बताई हुई है सब चीज, आप फिर बोले यार आप कर लेना प्लीज, आप बंदा कैसे करे यार, हमारी खुद की परचेजिंग में नहीं है, मेहनत करिए उस पर फील्ड खिलाइए। 6-7,000 रुपए के पेटी के बैग हुआ है, सेटेकस के बैग हुआ है, 4-4 महीने के अंदर खिलाए हैं 20-20,000 रुपए, 30-30,000 रुपए, तो कैसे कम करेगा बंदा। तो अभी के सारे छोटे चिक्स उठा लेते हैं हैंड फीट। हाँ बिल्कुल, छोटे चिक्स उठा लिए जाते हैं हैंड फीट के ऊपर, 1 महीने का 1.5 महीने का 20 दिन का 2 महीने का, इस तरीके के तमाम रेंजेस मौजूद होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जैसे आप तो ये भी सेल करें, अगर कोई आपके वो आपको सेल करना चाहे जैसे किसी के पास हो, वो अभी बाय कर लेंगे? वो भी बाय कर लेंगे हम, जितना हमारा हम अपना रेट दे देंगे, उनको अच्छा लगे पसंद आए वो बिल्कुल हमसे बात कर लें, डील बनेगी, गो अहेड उठा लेंगे। अच्छा जी, सारे एग्जॉटिक बर्ड्स की वीडियो हमने कवर कर लिए, अब थोड़ा ज्यादा छोटे बर्ड्स की तरफ। यहाँ पे लोरी अभी भी रहता है, लेकिन लोरी अभी तक आप लोगों ने चेक नहीं करा, एक बड़ा कलरफुल बर्ड है लोरी, वो उस तरह बैठा हुआ है, बहुत डांसिंग बर्ड होता है ये लोरी। ठीक है, ये देखें। अच्छा जी, इसके कलर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, सारे बहुत सारे कलर होते हैं। आ जाओ, आओ, नेक्टर वगैरह खाता है ये, इस तरीके से गया नीचे पर अच्छा ये होता है अक्सर के पर अगर कटे हुए ना हो ना, तो पर कटे हुए हो तो बर्ड जो है ना गिरने लगता है। सही। अच्छा जी, लोरी यहाँ पर आ चुकी है, इसकी क्या डिमांड है? भाई इसकी डिमांड है 50,000 रुपये। 50,000? हाँ, ये बड़ी अच्छी डांसिंग करती है ये। अच्छा, ये लोग जो है टॉकिंग वगैरह नहीं करते सन के नॉर? हाँ, ये टॉकिंग नहीं करते, ये क्रिपी बर्ड है थोड़ा सा ना, शोर मचाने वाला, नॉइज़ी, कि मतलब अपनी पहचान कराने वाला, हाँ मैं घर में मौजूद हूँ। सही, कोई नया बंदा जाते तो बहुत ज्यादा शोर कर देंगे। हाँ, कोई नया बंदा देखेगा कोई एंटर हो रहा है, भाई शोर मचाना चीखना शुरू। आजकल एक दोस्त से बात चली थी, वो कह रहा है अगर बर्ड्स रखे हुए ना तो ये जरूर रखना आपको, अगर कोई नया चोर वगैरह आ जाए पता चल जाता शेड के ना, एक कौन और रख लें आप, भले ये इतना शोर मचाएगा आप बोलेंगे हाथ जोड़ोगे बस चुप हो जाए मुझे वीडियो बनाने से चला जा भाई, बहुत ज्यादा शोर कर रहा। अच्छा जी, अब छोटे बर्ड्स की तरफ, हम छोटे बर्ड्स की तरफ चलते हैं भाई। हम यहाँ पर हमारे पास छोटे बर्ड्स के अंदर क्या क्या मौजूद है आजकल, ये सबसे ज्यादा इन है। सही, और सबसे ज्यादा क्रिमिनो हॉट है, डेकिनो क्रिमिनो, आप अपने हाथ में उठा लेंगे, आपके पास तो बहुत अच्छी ब्रीड आती है इसकी अच्छा जी, माशाल्लाह से आप भी देख सकते हैं, क्रिमिनो के पीसीस मौजूद हैं, डेकिनो के पीसीस मौजूद हैं। क्या क्या वैल्यू चल रही है आजकल इसकी, ये तो इसका मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, आपको मालूम नहीं है, माशाल्लाह, अभी मैं आपको बोलूँ ना ये अरसलान भाई, ये छोटी सी बटकी आप ले 2,00,000 रुपए दे दिए, आप बोलेंगे बाबा अभी लेके जा रहा हूँ, मैं बोलूंगा 4,00,000 रुपए दें तो फिर आप सोचेंगे। नहीं, वैसे आप किस प्राइसेस में सेल कर रहे हैं यार इसके अंदर? अच्छा, डिफरेंट एजेस हैं इसके अंदर भी, इसके अंदर एडल्ट मेल भी है क्रिमिनो का, पट्टे कुछ डीएनए वाले भी हैं, कुछ नॉन डीएनए भी हैं, क्रिमिनो डेकिनो और क्रिमिनो ऑफलाइन भी मौजूद है। क्रिमिनो ऑफलाइन यहाँ पर आपने पकड़ लिया, आप कैमरे की आंख भी इसको पकड़ के दिखा देगी तो आइडिया हो जाएगा कि किस कैसा ये क्रिमिनो ऑफलाइन है, जबरदस्त, पूरी बॉडी इसकी कैसी हाफ ऑरेंज में हुई हुई है। ठीक है, अब एक और अगर मैं दूसरा पीस पकड़ूं तो ये रहा, अब ये है क्रिमिनो, बहुत ये है वो, बहुत अलग ही बिल्कुल फर्क वाजे पता चल रहा है भाई। ठीक है, तो ये एक छोटी सी पहचान है क्रिमिनो और क्रिमिनो ऑफलाइन। क्रिमिनो जैसे कि तकरीबन इस वक्त मार्केट के अंदर अलग अलग रेट में बिक रहा है, 40,000 का भी बिक रहा है, 45,000 रुपए का भी बिक रहा है भाई, 4 महीने का बर्ड एज में।
और क्रिमिनो ऑफलाइन, क्रिमिनो ऑफलाइन तो बस समझ लो जिसके पास है उसके अपने पैसे हैं। सही, कोई फिक्स प्राइस नहीं है। ये 1,00,000 मैंने डेकिनो ऑफलाइन बेचा था तकरीबन को 70 से 80,000 रुपए का। सही। तो क्रिमिनो ऑफलाइन तो फिर और उससे ऊपर की चीज है। तो 1,00,000 रुपए इस तरीके से तकरीबन 1,00,000, 1,10,000, 95,000 इस तरीके से चल रही है अभी इसकी। मतलब फिक्स प्राइस नहीं है, नॉर्मल फिक्स प्राइस नहीं है, जो भी होगा सब इस तरीके से है। डेकिनोज आ गए, डेकिनो अलग अलग रेट के ऊपर है। अच्छा, मैंने अपनी वीडियोज में अपने चैनल पे एक बात कही थी कि एक वक्त आएगा क्रिमिनो और डेकिनो सेम रेट पर बिकेंगे, और अभी भी यही है। क्रिमिनो फिर आसानी से मिल जाता है, डेकिनो फिर नहीं मिलता लोगों को, लेकिन भाई के पास अल्हम्दुलिल्लाह डेकिनो भरा पड़ा रहता है, एनी टाइम मिल जाएगा। तमाम बर्ड डेकिनो हो गया, डेकिनो का वैसे बर्ड चल रहा है 35,000-38,000 इस तरीके से रेट में चल रहा है डेकिनो इस टाइम पर। सही। तो किसी भी भाई को अच्छा, हाँ, लव बर्ड की और तमाम बर्ड्स की मैंने एक अपने पास एक चीज रखी है, वो आप इन द एंड या आप शुरू में भी लगा सकते हैं कि बर्ड की एंट्री करवा कर आना है मेरे पास। सही। बर्ड की पहले रजिस्ट्रेशन करानी है, कौन सा बर्ड चाहिए, कौन सा पेयर चाहिए, क्या कौन सी डील्स चाहिए। जैसे मैं अपने YouTube चैनल पर बता रहा था, ये डील इतने की आपको ये चाहिए, आप अपनी एंट्री करो। तो जिस भाई भी बात करेंगे कॉल पे, जो भी होगा, वो अपनी एंट्री करवाएगा कि मुझे ये बर्ड चाहिए, मेरी एंट्री कर दे, मैं किस दिन आ जाऊँ, किस डेट पे आ जाऊँ, किस टाइम पे आ जाऊँ, या मेरा कार्गो हो जाएगा, मैं पेमेंट लगा दूँ। तो सही, ये तमाम चीज़ें एंट्री करके बुलाता हूँ अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोगों को बुलाता हूँ। तो ये कमर्शियल आइटम में अभी तक क्रिमिनो, डेकिनो और क्रिमिनो ऑफलाइन मैंने बता दिया आपको। अल्बाइनो भी आप में मौजूद है। और ये आ गया रेस का वो घोड़ा है जो के कभी रुकेगा ही नहीं, बस दौड़ रही है। ये ऐसा दौड़ रहा है, ये ऐसा दौड़ रहा है भाई जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आप आ जाओ बेटा यहाँ पे जाओ आप। ये है अल्बाइनो रेड आइज, बहुत जबरदस्त किस्म के हैं। तकरीबन ये ऑलमोस्ट 4-4 महीने के पट्टे हैं इस वक्त, इनकी चोंचे भी कुछ अलग अलग शेड्स में आती जा रही है। अबे हट भाई हट। ये एल्बाइनो रेड आई के कुछ पीसेस मैं डीएनए वाले भी दे देता हूँ, कुछ नॉन डीएनए, वो डिमांड के ऊपर बात हो रही होती है। अगर डीएनए वाला पीस लेंगे भाई तो 14,000 रुपए का है, और अगर नॉन डीएनए वाला पीस लेंगे तो भाई वो 13,000 रुपए का है। इस तरीके से रेट रखे हुए हैं। और अगर डील्स के अंदर लेना है अगर किसी भाई ने एल्बाइनो रेड आई टू ब्लू फिशरी या ब्लू पेस्टल और या फिर एल्बाइनो ब्लैक, तो वो 16,000 रुपए का पेयर में दे दूंगा मैं। सही, मतलब अलग अलग प्राइसेस हैं, जो 16,000 रुपए का फिक्स करा हुआ रेट वो आपको पेयर में मिल जाएगा। सही। इस तरीके से बनाया हुआ है ये, और वैसे तो बहुत ज्यादा इन चल रहा है भाई। मैं तो काफी लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि बिजनेस करें लव बर्ड का, बहुत अच्छा स्कोप है। छोटी सी जगह के अंदर आ जाता है, छोटी जल्दी से ब्रीड कर देता है। गर्मियों में थोड़ी सी मुश्किल ये आती है कि कभी कभी पॉक्स आती है इसमें भाई, जिसने वो संभाल लिया उसकी तो फिर चांदी खतरनाक चीज है। यही है इसके अंदर, मैं यही कहता हूँ कि इसमें कोई बीमारी नहीं है, एक बीमारी है वो पॉक्स, और वो एक पॉक्स 100 बीमारी में भाई आंखों का प्रॉब्लम होता है। रेड आई में आता है, अक्सर आता है, तो बस अपने आप को बचा के रखें। विरकॉन एस दवाइयों का स्प्रे करें, काफी सारी मैं अपने चैनल पे बता रहा होता हूँ क्या क्या दवाइयां यूज करनी है, कौन से स्प्रे यूज करने हैं, वो रिकमेंड कर रहा हूँ, यूज करते हैं। एक बात पूछनी, आपने बड़े बर्ड भी रखे हुए, छोटे बर्ड भी रखे हुए, तो मजा किस में आ रहा है आपको? मजा किस में आ रहा है, ये बात आपने बड़ी खतरनाक कर दी इस वक्त। मजा देखा जाए तो यार अल्हम्दुलिल्लाह, मजा जो बिग बर्ड का क्रेज है ना, अगर एक वो तो शौक एक अलग ही अलग है। मतलब वो मेरा शुरू का शौक है, उसको मैं कभी छोड़ता ही नहीं हूँ। लेकिन ये इसमें लॉसेस भी काफी ज्यादा बड़े बड़े होते हैं ना फिर? यार मैं ये नहीं कहूंगा लॉसेस इसमें बड़े होंगे, क्योंकि इसके अंदर लॉसेस ही 5% का लॉस होता है इसके अंदर। लव बर्ड बहुत अच्छा है, लव बर्ड का गेम बहुत अच्छा है, बहुत गेम चेंजर है लव बर्ड। पूरे इंडस्ट्री, पूरी बर्ड्स की इंडस्ट्री को चेंज करने के अंदर लव बर्ड का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, अगर बड़े बर्ड स्लो होगा तो लव बर्ड किसी वजह से तेज हुआ, क्योंकि इसकी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, न्यू फैंसीज आ रहे हैं इसके अंदर, तो वो आ रहे हैं, लगाते आ रहे हैं। पार ब्लू एल्बाइनो की पेयरिंग लगा के क्रिमिनो के बच्चे निकलवा रहे हैं वो, और लगा रहे हैं धड़ाधड़ भाई, क्रिमिनो बेच रहे हैं अपने पास से 40-40,000 रुपए के भाई। तो लव बर्ड बड़ा मजेदार गेम है, अच्छा मजा आ रहा है इसमें, लेकिन बस इसके अंदर वही बात है कि कभी पॉक्स आ गई ना आपकी तो पूरा शेड खराब, तो वो बहुत बजाती है। मेरा रिसेंटली बहुत अच्छा अच्छा लॉस हुआ है, ऐसा नहीं है कि। और मैं ये कहता हूँ कि भाई जितने लोग कहते हैं ना कि मेरे पास कोई बीमारी नहीं है, मेरे पास कोई, मेरा परिंदा साला साल अच्छा रहता है, ऐसा कोई बंदा नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, हमेशा कोई कितने से बड़ा ब्रीडर हो, सही है, उसके बाद लाजमी आती है, एक बर्ड में आएगी भले, मैं ये नहीं कह रहा सारे बर्ड में, मैं बोलता हूँ एक बर्ड में आए, 10 बर्ड में आएगी जरूर, आती जरूर है। वो ये बात है कि वो संभाल ले या संभाल सकता होता है, अच्छे से टैकल कर लेता है। सही। कभी कभी नहीं हो पाती ये चीज टैकल। अभी आप बताते 5% का लॉस है बड़े, 5% का लॉस इसलिए है कैसे? कि मकाओ की लाइफ है 60 साल, सॉरी ग्रे की लाइफ है 60 साल, मकाओ की तो 80 साल है। सही। तो इसके अंदर मरने का चांसेस रेशो कम होता है बनिस्बत है कि इनकी, इनकी एज लाइफ साइकिल है 7 साल, 7-8 साल। सही है, ये छोटी सी एज में, ये हल्की सी हवा लगी, सी पाई, खाना छोड़ा, पीना छोड़ा, बीमारी आई, ये मर जाएंगे। ऐसा ही है उसमें, नहीं है उसने 2 दिन तक अगर खाया भी नहीं ना,
तो वो जिंदा खड़ा रहेगा भाई। यहाँ पे आप दो दिन के लिए टूर पे चले जाओ, आपको पता नहीं चलेगा आपके कितने लंबड़ मर गए। तो ये चीजें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। बीमारी वगैरह क्या बड़ी बड़े बर्ड्स में? बड़े बर्ड्स में कोई अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी नहीं आती, कोई ऐसे वायरस वगैरह नहीं, कोई वायरस अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मेरे इतने 8 साल के एक्सपीरियंस के अंदर कोई ऐसा वायरस नहीं आया सिवाय वॉमिटिंग के। वॉमिटिंग आती है जब वो बर्ड छोटा होता है, उसके डिहाइड्रेट हो जाता है तो वो वॉमिटिंग पे आ जाता है। सही भाई, तो मुर्गा बहुत कान पे शोर करते हो। चलो 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 जाओ यहाँ पे आ गया। अच्छा जी अच्छा जी, अल्बाइनो का भी आपने बताया, बाकी वहाँ पे पारबूज बाकी के क्या बर्ड्स हैं वो भी मैं भी आपको दिखाता हूँ कि इनके साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं। बहुत अलग अलग किस्म के मजेदार से बर्ड्स हैं वो। ये देखें ये है यहाँ पे पारब्लूज। इत्तेफाक अभी ऐसा है कि पारब्लूज में हमेशा भरे हुए होते हैं, इस टाइम पे खत्म हुए हैं, बस अभी आने वाला है मेरे पास स्टॉक, इंशाल्लाह ताला फुल हो जाएगा। ये तमाम लोगों को फिर भरपूर देंगे। जितने लोगों ने ब्रीड लेनी है ले, मजे से लगाएं। एल्बाइनो टू पारब्लू का जोड़ा लगाएं, पारब्लू टू फिशरी का जोड़ा लगाएं, पारब्लू टू ब्लैक आई या एल्बाइनो टू पारब्लू, एल्बाइनो टू ब्लैक आई, तमाम अलग अलग म्यूटेशन आप लोग लगा सकते हैं इसके अंदर। पारब्लू की क्वालिटी क्लास देख लें, तमाम बर्ड मिलेगा। ये तमाम बर्ड स्प्लिटिनो है, ये एल्बिनो ब्लैक आई भी, अपना ब्लू फिशरीज भी, ब्लू पेस्टल्स भी, और कुछ कुछ बर्ड्स तो ऐसे होते हैं भाई, ये अब आप बताओगे मुझे कि ये कौन सा बर्ड है। ये यहाँ पे देखें, ये है ब्लू फिशरीज, ठीक है भाई, अरसलान में देख लिया आपने। अब यहाँ पर ये बर्ड कौन सा है? क्लियर है, सही, ठीक है। ये अब आपको क्या लग रहा है? नॉर्मल क्लियर हेड फिशरी स्प्लिटिनो, फिशरी स्प्लिटिनो, ठीक है। लेकिन ये निकला हुआ है भाई वॉलेट ऑफलाइन में से, वॉलेट ऑफलाइन में से, ये वॉलेट ऑफलाइन में से निकला हुआ है। अगर ये मेल हुआ तो स्प्लिट ऑफलाइन होगा। हाँ, स्प्लिट ऑफलाइन होगा क्योंकि फीमेल्स होती नहीं है इसके, तो बाकी ये तो डीएनए पे पता चलेगा। तो जितनी भी अगर बर्ड जो न्यू फैंस हैं उन्हें अल्बाइनो की वर्किंग करनी, तो स्प्लिट टू स्प्लिट का पेयर लगा सकते हैं भाई। सबसे सस्ती पेयरिंग अगर आपने लगानी है अल्बाइनो ब्लैक आई की, आप स्प्लिटिनो की पेयरिंग लगाओ, ठीक है। क्योंकि ये एक तरफ, अभी मैं आपको अगर दिखाऊं एल्बाइनो ब्लैक आई, इसके अंदर होना तो चाहिए, वैसे नहीं है तो खैर है, मसला ब्लैक आई इसके अंदर रखे मेरे। अच्छा हाँ, ब्लैक आई इसके अंदर है। अब जैसे ब्लैक आई इसके अंदर है, ये कंफर्म स्प्लिटिनो, इसके एक तरफ एल्बाइनो रेड आई है और एक तरफ दूसरी तरफ ब्लैक आई है। इसका एक भाई आता है रेड आई, एक भाई ब्लैक आई, एक भाई सब इस तरीके से निकल रहे होते हैं, दो बच्चे इस तरीके से, दो बच्चे इस तरीके से। तो आप लोग सस्ती पेयरिंग ये करें, 13,000 रुपये के अंदर मिल जाएगा आपको स्प्लिटिनो का पेयर, तो वो लगाएं आप। और इसके अलावा अगर आपने पार्लू के साथ अगर एल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिटिनो लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। उसकी पेयरिंग मैंने रखी हुई है 15,000 से 16,000 रुपये। और अगर पारब्लू टू ब्लू फिशरी लगाना है, ब्लू पेस्टल लगाना है, तो वो भी सेम प्राइजेस के अंदर है। और अगर सिंगल, जितने लोग सिंगल, अगर मेरी लोग डील्स देख रहे होते हैं तो बोलते हैं सिंगल ले दें आप हमें पारब्लू, सिंगल पारब्लू लेंगे 17,000 रुपये से कम में नहीं है। सही है, 16-17,000 रुपये का ओपन मार्केट के अंदर बिक रहा है पारब्लू। मैं आपको एक बार समझ लें, फ्री दे रहा हूँ उसके साथ। वो ब्लू पेस्टल भी हो सकता है, ब्लू अपना ब्लू फिशरी भी हो सकता है, स्प्लिटिनो भी हो सकता है उसके साथ। और ऐसी एल्बाइनो रेड आई, एल्बाइनो रेड आई अगर लेंगे तो वो 14,000 रुपये का डीएनए वाला पीस पड़ेगा, और अगर नॉन डीएनए लेंगे तो वो 13,000 रुपये का। जैसे लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं हमें पेयरिंग के अंदर दे दें और दो पीस कर दें आप जो ऐसे ऐसे लगा रहे हैं, तो भाई वो अगर मैं दे रहा हूँ आपको 16,000 रुपये की पेयरिंग में एल्बाइनो रेड आई टू ब्लू फिशरी या स्प्लिटिनो या कुछ भी, तो इस तरीके से तो वो एक अलग 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 प्राइस, सारी प्राइजेस आ जाती है इसके अंदर। अच्छा जी, इसके अलावा वहाँ पे जावा और बेंगलाइज भी, जावा बिल्कुल भाई, जावा ये तो भाई दीवाने हुए मैं फुल। अच्छा जी, यहाँ आ गए हमारे पास जावा। जावा इस टाइम वापस से हॉट होने वाला है, बहुत तेजी से चल रहा है। जावा के तमाम कलर्स मौजूद हैं आपके पास? जावा के तमाम कलर्स मौजूद हैं और इस बॉक्स के अंदर पड़े हुए भी हैं, अभी इसका भी भरपूर स्टॉक रेडी हुआ है, मैं जाऊंगा बस भर के लेकर आना है पर। और जावा की एक दोबारा से उरूज आने वाला है, मैंने अपने चैनल के ऊपर 200-400 जावा एक साथ दिखाकर वीडियो बनाई है। जितने लोग जानते हैं, देख रहे हैं, उन्हें पता है लारेबली सैयद पर बेतहाशा जावा दिए लोगों को, बहुत दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग बन गए भाई। जिन जिनको मैंने दो दो पेयर दिए थे उनके पास एक एक पेयर में से 10-10 बच्चे निकल कर आए। अच्छा माशाल्लाह, मतलब मैं खुद हैरान था। ग्रे जावा, सिल्वर जावा, वाइट जावा, सबके पास 10-11 बच्चे नहीं आए, कुछ लोगों के पास आए, सब समझ के बैठे। एवरेज उसका 5-6 बच्चों का, ये वही आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों को पट्टे दिए वो भी कंफर्म हुए आगे जाकर,
और वो भी चले। सही। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे कि जावा के तमाम कलर्स मौजूद हैं, ठीक है। इसके अंदर सिल्वर जावा की भी है, इसमें फोन जावा भी है, इसमें व्हाइट जावा भी है, इसमें ग्रे जावा भी है, इसमें पाइट जावा, पाइट ग्रे जावा भी है, पाइट व्हाइट ग्रे। डिमांड क्या है इन बर्ड्स की? भाई फोन जावा का इस टाइम पर बड़ा पेयर आपको मिलेगा 25,000 से 26,000 रुपए का। सही, ठीक है। इसके बाद गिरे जावा, सबसे ऊपर वाला बता दिया, अब सबसे नीचे वाला। गिरे जावा का पेयर मिलेगा कम से कम 4,500 रुपए का। सही, ठीक है। इसके बाद आ जाता है व्हाइट जावा। व्हाइट जावा का पेयर मिलेगा तकरीबन 6,500 से लेकर 7,000 रुपए तक। ये बड़े बर्ड्स की प्राइस, बड़े बर्ड्स की मैं प्राइस बता रहा हूँ अभी आप। सही। सिल्वर जावा का पेयर मिलेगा कम से कम कोई 7,500 रुपए के करीब, 8,000 से 7,500। नर मादा इंशाल्लाह ताला कंफर्म करके देता हूँ मैं, मेल फीमेल जितने होते हैं। बाकी फीमेल्स जिस वक्त मेरे पास भरपूर होती है, मिसाल के तौर पर 500-600 जावा आया हुआ है मेरे पास, तो मैं उसके अंदर से फीमेल भी बहुत देता हूँ लोगों को। सही, इतने बहुत ज्यादा होती हैं क्योंकि मेरे पास इत्तेफाक ऐसा है कि भाई के पास ही फीमेल ज्यादा आती है और पूरी दुनिया के अंदर फीमेलें कम होती हैं, मेरे पास आई भी होती है भरपूर। मैं बोलता चलो यार जाने दो, देते रहो लोगों को। अच्छा जी, बेंगलाइज भी आपने इसके साथ रखी हुई? हाँ, बेंगलाइज भी यहाँ पे रखी हुई है भाई। बेंगलाइज का एक अलग सीन है, बेंगलाइज चलता पर बेंगलाइज अक्सर यूज होती है फॉस्टरिंग पेयर्स के ऊपर। सही। गोल्डियंस हो गई, एग्जॉटिक जितनी भी फिंचेस हो गई, हैक्स हो गई, शाफ्टेल हो गई, और अपना स्टार फिंच, आउल फिंचेस के लिए ये तमाम यूटिलाइज हो रही होती हैं। अब बेंगलाइज के अंदर भी अलग अलग फर्दर म्यूटेशन आ गई हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा रेड आई बेंगलाइज, ये एक पीस ही बहुत महंगा है। सही, ठीक है। यहाँ पर चॉकलेट बेंगलाइज फॉस्टरिंग के लिए यूज होती है, क्रिस्टेड बेंगलाइज लोगों को अच्छी लगती है, अच्छा महंगा पेयर है तो अच्छे पैसों में बिक रहा होता है वो, तो क्रिस्टेड हो गई, प्लेन व्हाइट बेंगलाइज हो गई, चॉकलेट बेंगलाइज हो गई, पाइट हो गई, एल्बाइनो क्रीमिनो बेंगलाइज हो गई, रेड आई बेंगलाइज हो गई, ये सब डिफरेंट डिफरेंट रेट्स की हैं। और अगर लोग फोस्टरिंग करवा रहे होते हैं तो वो बड़ा ज़बरदस्त कमा रहे होते हैं। सही, क्योंकि 12-13 दिन के अंदर भाई बच्चा पाल के दे रही होती है और 12-13 दिन के अंदर इनका अंडा भी हैच हो रहा होता है। फिंचेस की खास बात ही यही है भाई कि 12 से 15 दिन के अंदर अंडा हैच हो जाएगा, 15 से 20 दिन के अंदर बच्चा तैयार होकर कूद जाएगा। अच्छा, इसमें मेल मेल भी बच्चे पाल लेते हैं? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। आपको पता है भाई, सही नॉलेज रखते हैं सलान भाई, सही बर्ड्स की हॉबी का बंदा है ये, इनको सब चीज़ों का पता है भाई। और इसके अंदर ऐसा ही है, मेल मेल हो या फीमेल फीमेल हो, इसके अंदर सब पाल लेते हैं। बल्कि कहते हैं बच्चे हमें दो, हम पाल के देंगे। हाँ, ये बोलते हैं हमें दे दो, हम सबको दाना पानी खिलाएंगे, हम कराची हैं, हम कराची हैं, हम सबको खिलाएंगे। सही। ये उनका ये हिसाब आ जाए, ये पूरा पाकिस्तान आ जाए, कराची छोटा नहीं पड़ेगा, कराची खाली नहीं होगा कभी। सही। तो ये उनका ये हिसाब किताब है। इनसे लोग भाई जावा के बच्चे पलवा लेते हैं, इनको जावा के बच्चे दे दो आप एक दो, ये वो अंडे भी सेकेंगे, अंडे भी सेक के पाल के दे देंगे। बजावा बड़ा गए तो लास्ट में सेटअप पे 5-5, 6-6, 7-7 बच्चों की बड़ी बात ही नहीं है भाई। लोगों ने ट्रायो को सेट 4-4 बेंगलाइज एक पिंजरे में करके, वो एक क्योंकि एक साथ ही बैठ जाती है सारी की सारी, ये एक साथ बैठेंगी और एक साथ बैठने के बाद सब जो लग जाती है बच्चे खिलाने पिलाने के अंदर। तो इनका ये है। तो क्या डिमांड बताई आपने इसकी? यार प्लेन बेंगलाइज व्हाइट जो है ना, इस वक्त उसका पेयर है कम से कम कोई 3,000 रुपए का। 3,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, और जितना क्रिस्टेड बेंगलाइज का पेयर है वो है 4,500 रुपए, 5,000 रुपए तक का। सही, ठीक है। और चॉकलेट बेंगलाइज का जो पेयर है इस वक्त है 2,000 रुपए से 2,200 रुपए तक के अराउंड, 2,500 तक के अराउंड। और रेड आई जो बेंगलाइज है वो सिंगल पीस भाई 10 से 12,000 रुपए का है, एक पीस सिंगल 10 से 12,000 रुपए का। अभी गोल्डियंस का स्टॉक आने वाला है, गर्मियों के अंदर एक्सोटिक फिंचेस ज्यादा चलने शुरू हो जाती है। लव बर्ड तो चल ही रहा होता है, सदाबहार चल रहा है, एक्सोटिक फिंचेस का तेज हो जाता है, गोल्डियंस शुरू हो जाएंगी, स्टार फिंचेस, ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी इस वक्त गोल्डियंस के अंदर। तो गोल्डियंस के पेयर तकरीबन कोई 13,000-14,000 रुपए तक के होते हैं। सही है, उस अलग अलग सारे जैसे कलर है वैसे प्राइस। हाँ, वैसे जैसे कलर है वैसे प्राइस है, इस तरीके से चल रहे होते हैं उनके सबके पैसे। ग्रीन कलर हो गया, येलो कलर हो गया, वो अलग, ब्लू कलर, वो सबकी डिमांड्स के ऊपर बात होती है। अच्छा जी लारे भाई, अगर किसी न्यू फेंसर को नॉर्मल सस्ते बर्ड भी चाहिए, जैसे अल्बिनो ब्लैक आई भी आपके पास मौजूद है, लुटिनो पसनाटा रेड आई भी मौजूद है, तो ये किस हिसाब से पेयर आप दे रहे हैं? भाई लुटिनो पसनाटा जो बड़े वाले पेयर होंगे वो तमाम आपको मिल पट्ठों के अंदर, आप रेट वैसे तो पता कर लें, अभी बड़ा इस वक्त शॉर्ट चल रहा है, तो पट्ठों के अंदर रेट मिलेगा आपको लुटिनो पसनाटा का 6,000 रुपये। मार्केट रेट से अलग होगा, ऊपर होगा, 5,500 रुपए भी होगा, 5,000 भी होगा, लेकिन मेरे पास रेट, अगर चीज कोई क्वालिटी है, अगर बैठी हुई आपको दिख रही है, जूम करके जरा दिखाएं कैसी शानदार क्वालिटी रेड आई के अंदर बैठी हुई है। ये एक एक पीस के रेट बताए मैंने, मैंने पेयर के रेट नहीं बताए। 5,500 रुपए का पर पीस भी होगा, 6,000 का भी होगा, इस तरीके से। सही। और एल्बाइनो ब्लैक आई जितना आ गया, स्प्लेटिनो ये 13,000 रुपए का पेयर है, फिशरीज जितनी आ गई ये सब 14,000-13,000 के पेयर हैं, रेड आइज के पेयर 28,000-26,000 रुपए के पेयर हैं एल्बाइनो, और पार ब्लूज के पेयर 30,000 का भी है, 32,000 का भी है। क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है तमाम चीज़ों का,
तो डील्स के अंदर लेना है तो 15,000 वाली डील भी मौजूद है, 16,000 वाली डील भी मौजूद है, 10,000 वाली डील भी मौजूद है। एक पीस एल्बाइनो ब्लैक है, एक पीस ब्लू फिशरी, ये तमाम चीज है। अब लोग कर क्या रहे हैं, अब मजेदार सी चीज लोग बना ये रहे हैं कि एक पीस लिया लुटिनो रेड आई फिशरी, सही, कुछ कुछ पीस स्प्लिट ब्लू होते हैं कभी। मैंने जितने लोगों को रेड आई का बर्ड दिया है वो स्प्लिट ब्लू निकला है। रातों को मैसेज आए मेरे पास कि भाई बच्चे निकले मेरे पास और बच्चे एल्बाइनो निकले, स्प्लिट ब्लू होंगे फिर वो कुछ पीस, स्प्लिट ब्लू है वो कुछ पीस। तो अब मैं स्प्लिट ब्लू के पैसे नहीं ले रहा, मैं सही, मैं तो इसी वजह से रेट थोड़े से तेज करके, क्योंकि इसके अंदर होती है चीजें मिक्स, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चार चार छह छह बर्ड अलग करता फिरूं, क्वांटिटी भर के आती है। ये भी अभी मेरा सब स्टॉक जाना है एक जगह पे, ये ऑलमोस्ट बुक स्टॉक है, ये एक जगह जाना है, ये ऑर्डर है, ये एक भाई को चाहिए, सेटअप लग रहा है, शेड लग रहा है, वहां चले जाएंगे, वहां पे उनके सारी पेयरिंग बनेगी जाके। सही, तो इन जितने लोगों को चाहिए उस हिसाब से उन लोगों को मिलती आएगी। कुछ लोग अब रेड आई लुटिनो रेड आई या लुटिनो फिशरी को एल्बाइनो रेड आई के साथ भी लगा रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग एल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिटिनो के साथ भी लगा रहे हैं, सही, ताकि वो अपना स्प्लिट बहुत सारे अलग अलग पेयरिंग बना सकते हैं। एल्बाइनो रेड आई और लुटिनो रेड आई तो बहुत काम आते ही है हर जगह, लुटिनो एल्बाइनो रेड आई और लुटिनो रेड आई को आप किसी भी बर्ड के साथ लगाते हैं आपका बर्ड स्प्लिट कुछ निकाल के देगा ना रेड आई, और चांस है अगर वो अगर ब्लू स्प्लिट में हुआ तो कुछ आपके पास रेड आई बर्ड वैसे ही आ जाएगा, रेड आई बर्ड वैसे। तो छोटी सी इनकम छोटे से पैसों के अंदर दुगना मुनाफा, वो मेरी अपने हैशटैग्स चल रहे होते हैं, कम कीमत दुगना मुनाफा, सस्ता से सस्ता, और थोड़ा लगाओ लाखों कमाओ, तो मतलब ये मेरे कुछ हैशटैग्स चल रहे होते हैं भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, तमाम जगहों पे। सही, अच्छा जी, तमाम बर्ड्स कवर कर लिए, तमाम बर्ड्स हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिए हैं। अब वो कबूतर हैं, बाकी वो तो जरूरत है नहीं क्योंकि वो जो ऐसे ही होते हैं भाई, कोई बर्ड तो नीचे नहीं आई हमारे यहाँ, नहीं आया भाई नहीं वो बर्ड, वो तो ऐसे ही शौकिया मैंने रखे होते हैं। मोर भी आप लोगों को दिखा दिया, तमाम चीजें मैंने दिखाई, उम्मीद करता हूँ सब लोगों को पसंद आई होंगी भाई ये चीज़। अरे बड़ा मजा आया सारी चीजें देखकर। बाकी लोकेशन और नंबर आप बताएं। भाई मेरी लोकेशन है मेन फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 वाटर पंप से अंदर की तरफ जब आप आएंगे कार्डियो 16 नंबर हॉस्पिटल से लेफ्ट लेके चौरंगी से लेफ्ट की थर्ड गली में आना है आपने, जमाल मंजिल बस। लेकिन मुझे कॉल करके एंट्री करवा के आएंगे तो बर्ड मिलेंगे, इसके अलावा नहीं भाई, रश लग जाता है बहुत लोगों का। तमाम ये नंबर्स मेरे यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पर ये तीनों नंबर दिखा दें, 0309-1555-659, 0300-3538-143, ये मेरा पर्सनल नंबर है, लेकिन कॉलिंग बहुत रहती है तो मैं कम ही उठाता हूँ, बहुत कम। 0308-2555-659 ये नंबर भी अब से ऑन हो जाएगा, तो आप लोगों को इसके ऊपर कॉल करें, बुक करवाएं अपना बर्ड, एंट्री करवाएं और फिर आएं। और जितने लोग आउट ऑफ सिटी हैं वो तमाम लोग तो भाई आए भाई, लेकर जाते हैं, लेकर जाते जाएं, उन लोगों के लिए तमाम बर्ड्स एंट्री करवानी लेकिन लाजमी है, पेमेंट एडवांस अगर भेजनी है। अच्छा हाँ, जितनी खवातीन लेडीज हाउसवाइफ्स हो गई जो घर में स्टूडेंट्स कुछ काम करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए है कि भाई बाइके के थ्रू आप लोगों को कराची में भेज दूंगा मैं, पेमेंट आप लोगों ने बैंक अकाउंट या जैस कैश के अंदर कर देनी है, इजीली आएँ लेकर चले आएँ। मेरी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरे चैनल पर होती हैं लारेवली सैयद पर, तमाम समर सीड मिक्स, चार डाइट चलानी है, कब क्या खिलाना है, कब क्या देना है, कब क्या बीमारी में आया हुआ परिंदा, तमाम चीज़ें वीडियोस के अंदर मेंशन हुई भी होती है, सब टाइटल तो खैर नहीं होता, थंबनेल ऊपर तमाम चीज़ें मेंशन हुई होती हैं, तो वीडियो एंड तक मेरी लाजमी देखा करें। सही, किस वीडियो के एंड में या किस चीज़ के अंदर मैं कोई सी सेल दे रहा होता हूँ, डेली सेल्स भी देता हूँ, कभी कभी एक दिन की सेल लगा दी, कभी कभी मैंने एल्बाइनो ब्लैक आई बेचा है 3,000-3,000 रुपये का एक दिन की सेल में, पार्कलू बेचा मैंने 8,000-8,000 रुपये का एक दिन की सेल में, एल्बाइनो रेड आई 9,000 रुपये का बेचा एक दिन की सेल में, तो वीडियो देखने से मिलती हैं वो चीज़ें। वीडियो नहीं देखेंगे ना अगर तो मजा नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा कब क्या बोला मैंने वीडियो के अंदर। जो लोग पूरी सुन रहे हैं, जितना मेरा सब्सक्राइबर पूरी सुन रहा है वो आता है भाई, लेकर जाता है, उन्हें मिलती है चीज़ें, फीडबैक्स लोगों के साथ बनाता हूँ मैं, देता हूँ डालता हूँ फिर। तो ये तमाम चीज़ें इन नंबर्स पे आपने एंट्री करवानी है, 0309-1555-659, 0308-2555-659, ठीक है। टिकटॉक पे शॉर्ट वीडियोस मौजूद होती है मेरी लारेवली सैयद ऑफिशियल के नाम से, यूट्यूब पे भी लारेवली सैयद पे, फेसबुक पे भी लारेवली सैयद, तमाम जगह पे प्लेटफॉर्म पे आपका भाई चल रहा होता है भाई, सारी चीजें दिखा रहा होता है अपनी। बर्ड्स बंद कर देते हैं, सही, क्योंकि ये जो है ना चीजें फेंकते रहेंगे, हमारे छोटे छोटे बर्ड्स को गिराते रहेंगे, इनका कुछ नहीं जा रहा, सही, इनकी वजह से हमने भी पंखा बंद करना पड़ गया हमें, हम भी गर्मी में बैठे हुए भाई। जेनुअन बायर आपने बोलना है सबको, जेनुअन बायर ही कॉल करेंगे भाई, तमाम रेट्स भी बता दिए, इसीलिए ये नहीं ये कर लेंगे कर लेंगे, क्योंकि रेट सारे के सारे आप जो भी बर्ड्स के प्राइस है वो बता दिए, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है 10%-20%, 5-10% नीचे हो सकता है, तो हो सकता है 10-20 पे नहीं लगे, 20-15-16,000 रुपए कम हो जाते हैं। अच्छा जी, कुछ पैसे जो कम हो जाएंगे जो प्राइसेस वगैरह बताएं,
बाकी है कि जिससे मतलब कि जो सीरियस बायर हो, जिससे मतलब कि सीरियस में लेना हो, तो वो रابطہ करेंगे कि सब इनका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। बाकी प्राइसेस वगैरह सब बता दें, बाकी बर्ड्स वगैरह जो भी आप चेक करके लें, आराम से आएँ, यहाँ पे बैठें, जो बर्ड्स है सब चीज़ें यहीं पर चेक कर लें, जो भी हेल्थ है चीज़ें। एक और चीज़ मैं आपके अभी बताता चलूँ, नो रिटर्न नो एक्सचेंज होता है, ठीक है। और अगर कोई बर्ड रिटर्न होता है, इन केस ऑफ रिटर्न तो 20% विल बी डिटेक्टेड। तो ये चीज भी है, बिग बर्ड हो या छोटा बर्ड हो, चेक करके चीज लेनी है। इसके बाद कोई चीज नहीं है कि वापस ले ली, तब्दील कर ली, यार ये नहीं, ये चाहिए था, अब ये नहीं, अब ये कर दे, तो उसके अंदर भी आपको पैसे डिटेक्ट होंगे आपके 20%। स्ट्रेट क्लियरली बता रहा हूँ ये मैं, कोई ढकी छुपी नहीं है कि बातों में लोग ढकी छुपी करते हैं, पहले अपनी चीज दिखा दी और बाद में अब लेने बेचने का टाइम आया तो ये कर रहे होते हैं। तो मैंने भाई स्ट्रेटली बताया इसीलिए कि मेरा काम करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। मैं बिल्कुल, अगर मैं ओपन मार्केट के अंदर काम कर रहा हूँ, रेट्स बता बता के, लोग रेट्स नहीं बता रहे होते वीडियोस के अंदर, मेरी अपनी वीडियोस में रेट्स भी पता चल रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, आ रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो तमाम चीज़ें, तो इसलिए नो रिटर्न नो एक्सचेंज है भाई। तो गाइस उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। बिल्कुल भाई, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लारे वाली सैयद को। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।